हेलो दोस्तों, मैं अमर के शॉप की गलत यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोको एम टू की। तो यहाँ पर पहले जो वो आप अनबॉक्सिंग देखिए, फिर हम इसके बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग में सिर्फ सीधा सीधा ये बॉक्स है और इसको जब खोलते हो तो अंदर एक थोड़ा एनवलप वाला बॉक्स देखने को मिलता है। इसे हम जब ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे ऊपर सिम इजेक्टर टूल और इसके नीचे जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कुछ यूज़र मैनुअल। एक यूज़र मैनुअल है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, हमें पढ़ना नहीं है तो हम इसे रखते हैं साइड में। फिर नीचे है ये हमारा फ़ोन, लेकिन हम इसको रखेंगे फ़िलहाल साइड में क्योंकि हर एक बड़ा यूट्यूबर यही करता है, तो हमें भी बड़ा बनना है तो पहले फ़ोन को साइड में रखते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखते हो तो नीचे ये एक कवर है, इसको जो हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारा अडेप्टर चार्जर अडेप्टर एंड यहाँ पर ये जो है वो टाइप सी पोर्ट वाली केबल है और ये अडेप्टर जो है वो 10 वाट का है। 18 वाट का ये चार्जर सपोर्ट करता है लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स आपको 10 वाट का चार्जर ही मिलता है। तो बस यहाँ पर ये थी अनबॉक्सिंग, अब हम बात करेंगे इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों बात करी जाए अगर पोको एम टू के बारे में तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डिज़ाइन से शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके की है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो है वो आपको देखने को मिलता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप पीछे की तरफ एंड यहाँ पर पोको की ब्रांडिंग है और ये जो है वो डुअल टोन फिनिश के साथ में आता है। जैसे ऊपर जो है वो आपको देखने को मिलती है मैट फिनिश एंड नीचे जो वो मैट फिनिश पर टेक्सचर है कुछ जो कि आप ये आवाज़ सुन सकते हो। और यहाँ पर ऊपर जो है एकदम प्लेन है, यही सेम टू सेम डिज़ाइन जो मतलब यही डिज़ाइन नहीं ऐसा ही डिज़ाइन आपको पोको एम टू प्रो में भी देखने को मिल चुका था लेकिन वहाँ पर ग्लास बैक पैनल था, यहाँ पर प्लास्टिक बैक पैनल है, पॉली कार्बोनेट बैक जो है। और यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर है आईआर ब्लास्टर सेकेंडरी माइक्रोफोन नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन जो भी आप इसे कह दो। और अगर साइड में देखें तो यहाँ पर सिम ट्रे है जहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब दो सिम एंड एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हो। यहाँ पर अगर इस तरफ देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन वॉल्यूम रॉकर बटन है और ये जो है वो लॉक अनलॉक के लिए बटन है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर टाइप सी पोर्ट है, ऑडियो जैक है, स्पीकर है एंड माइक देखने को मिल जाता है। तो बस ये था इसका फिजिकल ओवरव्यू एंड फ्रंट में जो है देखने को मिल जाती है वाटर ड्रॉप डिस्प्ले वाली डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में डिस्प्ले। तो बस यहाँ पर ये थी इसकी डिज़ाइन के बारे में बातें। अगर यहाँ पर बात करी जाए कि मुझे इसकी डिज़ाइन में क्या पसंद नहीं आया है तो पसंद नहीं आया ये नहीं कहूँगा। यहाँ पर जो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसकी ये थोड़ा जो है वो नीचे और होता तो सही रहता क्योंकि यहाँ पर हाथ जो है उंगली जो है जब फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हैं तो ऊपर चली जाती है यहाँ पर, तो ये थोड़ा जो है इसकी प्लेसिंग सही हो सकती थी। बाकी यहाँ पर इससे मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जब बात आ गई है इसके फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो यहाँ पर ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से काम करता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि देते ही सीधा खुल जाता है, हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी यहाँ पर सीधा सीधा खुल जाता है, ये लॉक अच्छे से खुलता है। एंड यहाँ पर आपको फेस अनलॉक वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, फेस अनलॉक खुल जाता है एकदम से, ये लॉक वाला बटन दबाते और यहाँ पर ये खुल जाता है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा डिले वाले बात जो है वो नहीं है, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये खुल गया, मतलब यहाँ पर इस तरीके से ही काम करता है। एंड पैटर्न वाला ऑप्शन तो देखने को मिल ही जाता है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सही है ये फ़ोन। अब अगर बात करी जाए तो यहाँ पर ये फ़ोन जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 10 के साथ में आता है एंड MIUI 11 जो है वो इस फ़ोन में डाला हुआ है या फिर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन के बारे में ऑलमोस्ट बातें हो गई है। अब अगर इसके स्टोरेज के बारे में बात करी जाए तो 64GB वाला रैम स्टोरेज वेरिएंट है ये 664GB वाला, लेकिन यहाँ पर 48GB जो है वो आपको फ्री में आपके लिए स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर आप अपनी जो भी फाइल सेव करना चाहते हो कर सकते हो, स्टडी मटेरियल है तो वो भी यहाँ पर सेव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बातें करी जाए इसकी स्क्रीन के बारे में डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की एक FHD+ IPS LCD पैनल जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में आती है एंड ये डिस्प्ले जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आती है। और अगर बात करी जाए इसकी विजिबिलिटी के बारे में तो आउटडोर विजिबिलिटी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सुबह का टाइम है अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पर जो
विजिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगी मुझे, और मैं यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट में गया तब भी मुझे जो है वो सही से दिख रहा था। तो मतलब 11,000 रुपये के फ़ोन में जैसे डिस्प्ले होनी चाहिए वैसे डिस्प्ले यहाँ पर है, और अच्छी खासी एक डिस्प्ले जो वो मिल जाती है। अगर इंडोर विजिबिलिटी के बारे में बातें करी जाए तो वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये कुछ वीडियो सैम्पल है जो कि मुझे जो वो सही लगा, और यहाँ पर डिस्प्ले जो है वो ठीक ठाक है, और यहाँ पर मतलब इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। FHD+ डिस्प्ले, तो यहाँ पर HD कंटेंट भी आप कंज्यूम कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसके कैमराज के बारे में। तो यहाँ पर फ्रंट में जो है वो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, और यहाँ पर ये सेल्फी कैमरा जो है मुझे मतलब ठीक ठाक लगा, जिसके सैंपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये फ़ोटो जो मैंने ऐसे ही खींची थी, और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है मैंने HDR मोड ऑन करके खींची है। तो मतलब यहाँ पर पीछे का आकाश स्काई वगैरह जो काफ़ी सही ढंग से आया है। तो यहाँ पर HDR मोड ऑन करके अगर आप खींचते हो फोटोज़ फ्रंट कैमरा से, सेल्फी खींचते हो, तो HDR मोड ऑन करके खींचना, अच्छा रिजल्ट जो मिलेगा। अच्छे रिजल्ट के लिए HDR मोड ऑन करें। और यहाँ पर मैंने डायरेक्ट सनलाइट में भी ये फ़ोटो खींची कल दोपहर को, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी ये फ़ोटो जो है वो आई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मतलब अच्छी खासी क्या 11,000 रुपये के फ़ोन में जो सेल्फी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर मैंने एक इसमें पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन भी देखने को मिलता है फ्रंट में, उसमें भी फ़ोटो खींची है, लेकिन यहाँ पर एजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन फ़ोटो मतलब इतनी अच्छी नहीं आई है। तो पोर्ट्रेट मोड अवॉइड करना इस फ्रंट सेल्फी कैमरा में। बाकी अगर बात की जाए इसके क्वाड रियर कैमरा सेटअप के बारे में, तो यहाँ पर मेन कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, 8 का अल्ट्रा वाइड है, 5 का मैक्रो है, 2 का डेप्थ है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कुछ फ़ोटोज खींची है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ये जो है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर ये वाइड एंगल वाली है, और यहाँ पर ये 5x जूम के साथ में है, और यहाँ पर ये जो है वो मैक्रो फोटो है, मेरे रफ रजिस्टर की है, नाम लिखा हुआ पोको M4, और अच्छे से ये जो है वो आती भी है, मैक्रो फोटोज भी अच्छी खासी आ जाएगी। तो मतलब यहाँ पर ये था इसका कैमरा ओवरव्यू फोटोज़ के बारे में। लेकिन अगर बात की जाए इसके वीडियो की, तो वीडियो भी फ्रंट में जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा से वीडियो सैंपल मैंने ये लिया है, तो आप स्क्रीन पर पहले देखिए और फिर बताइएगा। तो ये जो है वो पोको M2 के फ्रंट कैमरा का वीडियो सैंपल है, मैं क्या बोलूँगा मुझे पता नहीं है, पर यहाँ पर आप स्क्रीन पर थोड़ा बहुत देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो क्वालिटी है मुझे ठीक ठाक लगी है। बाकी यहाँ पर थोड़ा पीछे घूम के बताऊँ तो मतलब पीछे के जो ये ईंटें हैं वो भी दिख रही है, अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ तो शायद से मेरा फेस जो है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। हाँ, तो ये फ्रंट कैमरा की फुटेज थी। अब अगर इसके क्वाड रियर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए, तो यहाँ पर स्क्रीन पर ये भी आप वीडियो फुटेज जो देख सकते हो। तो ये जो पोको M2 का क्वाड रियर कैमरा सेटअप का वीडियो सैंपल है, आप मुझे बताइएगा, मुझे स्क्रीन पर फिलहाल दिख नहीं रहा है कि मतलब सर ऊपर नीचे है या फिर कहाँ है, बट आप जो हो देख सकते हो और जज थोड़ा बहुत कर सकते हो कि वीडियो जो इससे कैसा आ सकता है। बाकी बस जो है वो यही है। तो अगेन जो है ये दोनों की दोनों मैंने आउटडोर खींची है, तो आप एक बात ध्यान में रख सकते हो कि आपको लाइटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अच्छी खासी वीडियो जो हो यहाँ पर बन सकती है। और साथ में यहाँ पर स्लो मोशन का ऑप्शन भी मिलता है, मैंने ट्राई नहीं किया है, एक फुल रिव्यू में ट्राई कर देंगे। तो मतलब यहाँ पर ये थी इसकी कैमराज के बारे में बातें। मैंने सिर्फ 2 दिन इस फ़ोन को यूज़ किया, तो मैं 2 दिन का एक्सपीरियंस जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी अब अगर बात करी जाए इसके प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पर MediaTek Helio G80, और ये नॉर्मल यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा सही है, हीटिंग वगैरह इश्यूज नहीं मिले हैं मुझे। चार्ज किए थे तब भी फ़ोन जो वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा आप जब चार्ज करते हो तो थोड़ा तो हीट होता ही है, तो बस वही नॉर्मल हीट जो मुझे लगा, बाकी यहाँ पर फ़ोन गर्म नहीं होता है, फ़ोन काफ़ी ठंडा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर अगर बातें करी जाए तो हाँ, मैंने गेमिंग वगैरह नहीं की है इस फ़ोन पर, पबजी जब से बैन हुआ है तब से मतलब दूसरा गेम खेलने का मन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कॉल ऑफ ड्यूटी मैं एक बार खेल के बताऊँगा आपको कैसा है, मैं उसे नहीं खेलता हूँ तो मुझे ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में, पहले 2 दिन सीखूँगा फिर बताऊँगा आपको इस फ़ोन में टेस्ट करके कि भैया कैसे चलता है। बाकी आप कुछ भी सवाल पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पर बैटरी जो 5000 mAh की देखने को मिलती है, जो कि 18W का चार्जिंग सपोर्ट करता है ये फ़ोन, लेकिन 10W आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपको पहले बता दिया है। बाकी यहाँ पर क्या बात करी जाए तो रैम स्टोरेज वेरिएंट है ये 664GB वाला, LPDDR4X रैम है, एंड eMMC स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाता है, तो स्टोरेज थोड़ा अच्छा हो सकता था। बाकी यहाँ पर यही था फ़ोन 664GB वाले के वेरिएंट की कीमत जो है वो है 11,000 रुपये, 10,900
₹99। तो यहाँ पर ये थी सारी की सारी बातें पोको एम टू के बारे में। अब अगर मेरे बारे में बात करो तो यहाँ पर मुझे कैसा लगा है, तो ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सही है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम में ब्लोटवेयर काफ़ी अच्छे से मिल जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐप्स आपको प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको क्लीन मास्टर जो कि मतलब बैन है इंडिया में, वो भी देखने को मिल जाता है। इसका स्कैनर जो है उसमें क्लीन मास्टर है, बट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर पोको ने कहा है कि बहुत ज़्यादा जल्द हम इसे हटा देंगे। अब वो कब हटाते हैं और कब तक वो अपडेट आता है, और वो हमें बाद में जब आएगा तब मैं आपको अपडेट बदल दूंगा, अपडेट कर दूंगा। अगर इतना ही था वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, पास में बेल आइकन का दबा देना, क्योंकि उसके बगैर नोटिफिकेशन आपको ऐसे वीडियोज़ की नहीं मिलेंगी। फिर मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक सीख रहे हो, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।